हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एलियन वकुरेशी एंड आई वेलकम यू वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। और आपका स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और दोस्तों, आज हम जो विषय पर बात करने वाले हैं वो है पानी। पानी मतलब वाटर, मतलब ये हमारा जो जल है, हिंदी में जिसे हम जल कहते हैं और उर्दू में उसे हम आब कहते हैं। आब ए जमज़म, जो कि मक्का हज में सऊदी अरेबिया में जो एक वेल है वहाँ पर जो पानी मिलता है उसे आब ए जमज़म कहा जाता है, कि जो कि बहुत ही पवित्र पानी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पानी के बारे में जो है डिटेल बात करने वाले हैं। तो वेलकम एंड आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, लेट स्टार्ट। एंड बहुत ही अच्छा आज का सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, आफ्टर द वीडियो ऑफ इंजेक्शन फिनार्गन एंड इंजेक्शन सेरेनस। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि पानी जो हम पीते हैं उसका कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी को कैसा पीना है, पानी कब पीना है और पानी कितना पीना है, ये बहुत ही आजकल इम्पोर्टेंट विषय है और यूट्यूब पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। बट मैं आज जो है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक ग्रंथों में मेडिकल साइंस के हिसाब से पानी कैसा पिए, कितना पिए और कब कब पिए, इसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप सुबह सुबह निहार पेट, खाली पेट उठते हैं, तो ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठते के साथ जो है पानी पीना चाहिए मुँह धोकर। तो ये बात सही है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी ये बात सही है फ्रेंड्स, और इसको मेरा थम्स अप है, क्योंकि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में भी ऐसा बताया गया है कि तो जो क्या बोलते हैं उसे, पीतल के भांडे होते हैं, पीतल के जो भांडे होते हैं उनको जो है उसमें जो है हमने पानी पीना चाहिए सुबह सुबह उठकर। पीतल का एक मग जग रहता है, उसमें पानी डालना चाहिए, रात भर उसे भीगने देना चाहिए, रात भर उसमें उसको प्रोसेस होना देना चाहिए। फिर बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रशिंग आपने जो है वो पानी पीना चाहिए फ्रेंड्स। ये हुआ नंबर वन कंसेप्ट। नंबर सेकेंड कंसेप्ट है कि आपने जो है दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपका पानी का इंटेक जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में, जैसा मराठवाड़ा ये एरिया है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी का यहाँ पे बूंद बूंद को लोग तरसते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है पानी का दुष्काल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है, तभी भी जो है अपना हाइड्रेशन आप मेंटेन करके रखिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि बाबा, आपने जो है इसमें एक कंडीशन ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जो बढ़ चुका है, हीट स्ट्रोक की भी कंडीशन आपको लागू हो सकती है, तो उसका भी वीडियो अपने चैनल पे है, वो भी देखें। तो जब भी आप बाहर से आए तो पानी पिए, वो भी थोड़ा रुक कर, और ज़्यादा ठंडा ना हो पानी, ऐसा आप कंडीशन में पानी पिए। अब बात करते हैं खाना खाते वक्त पानी कब कब पीना चाहिए और क्या क्या पीना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लोग इसके बारे में बहुत पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो उसके 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले बिल्कुल पानी ना पी, क्योंकि पानी पीने के बाद जो है आपकी भूख कम होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, जिसको बोलते हैं अग्नि मानदेय। हम जो है हमारे भूख को आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, और अगर उस पर पानी डाल दिया जाए, अगर आप किसी आँच पर, कोई आँच सिलग रही है उस पर पानी डाल दे तो वो आँच बुझती है, वैसा ही हमारे पेट में अग्नि होती है, उसमें हम पानी डालते हैं तो आँच बुझती है, अग्निमंद होता है, तो हमारी भूख कम होगी, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप खाना खाने के पहले पानी बिल्कुल ना पी, खाना खाने के बाद जो है आप इसमें सॉरी खाना खाने के बीच में जब भी आप खाना खाते हैं तब आप मोहर मोहर पिबेत, मतलब थोड़ा खाए थोड़ा पिए, थोड़ा खाए थोड़ा पिए, थोड़ा खाए थोड़ा पिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ये एक संस्कृत श्लोक है, मोहर मोहर पिबेत। तो आप खाने के बीच में जो है थोड़ा थोड़ा पिए, ऐसा ये बताया गया है इसमें। खाने के बाद डायरेक्टली आप पेट भर के पानी ना पिए, इसमें ऐसा भी कहा गया है, क्योंकि उसकी तुलना विष से की गई है। तो आप खाने के बाद जो है 5 मिनट के बाद जो है पानी पी सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक इसमें संकल्पना है कि जब भी आप पानी पीते हैं तो एक यूजुअल वे में, यूजफुल वे में आप पानी पिए, और खाने के पहले कभी भी ठंडा पानी ना पिए, खाने के बीच में भी ठंडा पानी ना पिए, और खाने के बाद में भी ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए।
आयुर्वेद में एक संकल्पना है फ्रेंड्स कि आपके पेट के जो है आपने चार हिस्से करना, उसमें से जो है आपने दो तीन हिस्से खाना खाना और एक हिस्सा जो है पचन के लिए और पानी के लिए छोड़ देना है। उस तरीके से ये संकल्पना है। तो पानी खाना खाने के पहले बिल्कुल ना पिए, मुहर मुहर पिबेत खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिए, खाना खाते ही पानी ना पिए, थोड़ी देर से वहाँ पे भी पानी पिए। ये एक संकल्पना पानी के बारे में बताई गई है। पानी को आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसमें एक संकल्पना ऐसी है कि आप दिन भर थोड़ा 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 पानी पीते रहे। पानी पीने से ही बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा होता है, पानी पीने से ही आपका यूरिन साफ हो सकता है, पानी पीने से ही आपका स्वेटिंग अच्छा होगा। स्वेद मल मूत्र, ये तीन हमारे मल हैं, ये जो है इसकी सिस्टम अगर अच्छी हो तो बॉडी साफ होती है। लास्ट बात हम करेंगे जो है लास्ट बट सेकेंड बात हम ये करेंगे, वार्म वाटर थेरेपी। जो हम बोलते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, ये कितना सही है, कितना अच्छा है, इसके बारे में भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पोस्ट व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे फिर रहे हैं फ्रेंड्स। तो गर्म पानी पीना, गर्म मतलब भी कुमकुमा, बहुत अच्छा है। देखो फ्रेंड्स कैसा है, दूसरे देशों में उनके अपने अपने जो है मेडिसिनल थेरेपीज़ हैं, मेडिसिनल साइंस हैं और वो उनको बहुत प्रचलित करते हैं। चाइनीज़ में एक अलग थेरेपी है, हर देश में एक अलग अलग थेरेपी है। तो वार्म वाटर थेरेपी एक है और इंडोनेशिया में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वार्म वाटर जो है कभी भी जो है उसमें ऐसा बताया गया है कि आप जो है वार्म वाटर से आपका पेट पूरा साफ होगा, आपका मेंटल रिलैक्सेशन होगा, वार्म वाटर से आपका वेट भी कम हो सकता है ऐसा बताया गया है, वार्म वाटर से आपका डाइजेशन भी ठीक होगा ऐसा बताया गया है। वार्म वाटर उठते के साथ सुबह सुबह निहार पेट थोड़ा वार्म वाटर भी आप पी सकते हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या इंडाइजेशन है या एसिडिटी है, वैसे पेशेंट्स ने वार्म वाटर पी सकते हैं फ्रेंड्स। तो होप दोस्तों आज का ये वीडियो और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ, कोल्ड वाटर ज़्यादा ना पिए, वार्म वाटर माइल्ड वार्म वाटर आप पी सकते हैं। और पानी कब पीना है कब नहीं पीना है, खाने के पहले पानी ना पिए, खाने के बीच में मोहर मोहर पिबेत, खाने के बाद डायरेक्ट ना पिए, सुबह सुबह निहार पेट पिए, ये जो है संकल्पना ध्यान में रखिए। और पीतल का जो पतीला मैंने बताया है उसका भी आप जो है ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर लिनर कुरेशी। आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।